Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू testbook.com। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो आज जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हमारा टॉपिक है विटामिन्स, और विटामिन्स जो हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं विटामिन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है, या तो उसका साइंटिफिक नेम पूछ लेगा या केमिकल नेम जिसको बोलते हो, उससे होने वाली डिजीजेज के नाम पूछेगा या उसके सोर्सेज के नाम पूछ लेगा। तो इन्हीं सब को लेकर के आज की क्लास है, जो आपको बहुत सारे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबके ऊपर बात करने वाली है। तो देखते हैं हमारे साथ कितने लोग बिल्कुल एक्यूरेट सभी क्वेश्चन का जवाब देते हैं और लास्ट तक बने रहते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है गाइस। सभी को ऑडियो वीडियो अच्छी आ रही होगी, तो एक बार जब लोग बता देंगे सभी को ऑडियो वीडियो अच्छी आ रही है, और वीडियो को शेयर कर दो जिन लोगों ने शेयर नहीं किया है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखते हैं कौन सा है। और अभी आपको बताना है कि विटामिन ए जो है उसको को कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था। इन विच ईयर विटामिन ए इज डिस्कवर्ड, 10, 11, 13 या 1912, क्या होना चाहिए सही जवाब। तो भाई देखिए, रेलवे में कुछ हम लोगों को कुछ इस तरीके के क्वेश्चन अगर दिख गए तो क्या करेंगे भाई, उसके तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। मैंने शुरू में ही बोला हुआ राहुल भाई, जब वो मैं लिख रहा हूं वो तो आपको भी लिखना ही पड़ेगा। तो प्रवीण बोल रहे हैं कि सर होना चाहिए यहाँ पर दो नंबर, 1911 की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले बार हमारे यहाँ पर जिस विटामिन की खोज की थी वो था हमारा विटामिन, बोल सकते हैं B1, विटामिन बी की खोज की थी कास्मिर फंक ने। ठीक है, कास्मिर फंक ने विटामिन वर्ड को भी दिया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि विटामिन ए को कब डिस्कवर किया गया था। तो विटामिन ए को जब डिस्कवर किया जिस ईयर में, और ये हमारे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था जिसको हॉब्सन ने किया था 1912 में। तो मैं यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1912। किसने इसका डिस्कवरी किया था तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हॉपकिंस जो है वो इसके डिस्कवरर का नाम था। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा कि देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी उसके ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद से इसका केमिकल नेम शायद अगर ये पूछा जाता तो यहाँ पर 99% जनता इसका जवाब सही दे देती, क्योंकि जो इसका केमिकल नेम है वो रेटिनॉल है, रेटिनॉल है। इससे हमें नाइट ब्लाइंडनेस एंड हेक्सोपैथेल्मिक आइज हो जाती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रात में दिखाई नहीं देता है, या हेक्सोपैथेल्मिक आइज जिसको आप लोग बोलते हो कि आपकी लैक्रिमल ग्लैंड जो है अश्रु ग्रंथियों में स्वेलिंग आ जाती है या वो सूख जाती हैं, हेक्सोपैथेल्मिक आइज ये जो आती हैं। अब इसका सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है तो आप लोग गैरेट बोल सकते हो, गाजर सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है, इसके अलावा एग हो गया और आपके एप्पल्स हो गए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया, और उसके बाद से फिशेज हो गई, ये सभी के सभी इसके सोर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमने ये एक अलग सी जानकारी जो थी वो यहाँ पर दी आपके सामने। अब आपके सामने आता है विच डिसीज इज कॉज बाई विटामिन B3, विटामिन B3 की वजह से कौन सी बीमारी होती है, दैट इज बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट्स या पेलेग्रा। जल्दी से जवाब दीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजीजेस के नाम। मैं आपसे बार बार बोला हूँ कि ये डिजीजेस केमिकल नेम 99% हर एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनता का जवाब आया कि सर होना चाहिए पेलेग्रा। ठीक है, तो यहां पे सही जवाब जो है वो है पेलेग्रा। ये हमारे B3 की कमी से होने वाला, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नाइसिन, नाइसिन जो है नाइसिन की कमी से होता है, जबकि बेरी बेरी जो है वो थायमिन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायमिन को हम लोग अगर देखेंगे तो विटामिन B1 बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस अभी हम लोगों ने देखा था विटामिन ए, रिकेट्स की बात करें तो ये हमारे विटामिन डी की कमी से होता है। तो नाइसिन मतलब B3 जिसको बोला जाता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, और बेरी बेरी जो सबसे पहला विटामिन खोजा गया था B1 की कमी से होता है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है,
कोई नींद में भी जगा करके अगर ये सारे क्वेश्चन पूछे ना तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 99 जो है परसेंट चांसेस रहते हैं ये क्वेश्चन आने के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फाउंड इन फॉलिक एसिड। देखिए ये फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते होंगे कि जब भी आयरन की कमी होती है बॉडी में, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और उस समय डॉक्टर्स फॉलिक एसिड देते हैं, या जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनकी बॉडी में ये फॉलिक एसिड दी जाती है। बेसिकली ये हमारे बॉडी में क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ा रहा है, हमारे बॉडी में एनीमिया से हमको बचा रहा है, क्योंकि इसकी कमी से एनीमिया नाम की बीमारी होती है। कौन से एसिड को या कौन से विटामिन को हम लोग बोलते हैं कौन सा, फॉलिक एसिड। तो यहाँ पर आसिफ बोल रहे हैं सर विटामिन B7 होना चाहिए, लेकिन क्या सही जवाब ये है, कुछ लोग इसको ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग 3 नंबर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब जो है भैया जो फॉलिक एसिड है जिसमें हमारी जिसकी कमी से हमें एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है वो किसकी कम, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, तो विटामिन B7 नहीं बोलते हैं, दैट इज विटामिन B9, उसको हम लोग विटामिन B9 बोलते हैं। B7 को हम लोग बोलते हैं बायोटिन, B7 को क्या बोलते हैं, विटामिन B7 को हम लोग बोलते हैं बायोटिन। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो विटामिन B9 सही जवाब है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमारे कहाँ पे, तो आयरन रिच आप फ्रूट्स खाते हो जैसे कि एप्पल हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, हमारे बीट रूट हो गए, इन सब में ये पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बायोटिन। क्या बोलते हैं, बायोटिन, याद रखिएगा बायोटिन। जो आज कंफ्यूज हो रहे हैं तो एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, और B5 को हम लोग बोलते हैं पेंटाथायमिक एसिड, तो पेंटा से आप इसको याद कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपसे क्या पूछने वाला है, अभी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। इनमें से B12 जो आजकल की बहुत ज़्यादा लोगों में कमियाँ देखी जा रही जिसकी वो किसमें नहीं पाया जाता, यहाँ पर नहीं वर्ड को बहुत अच्छे से आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है। नॉट, तो यहाँ पर फिश होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, एग होना चाहिए या मीट होना चाहिए, कहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। मैंने पूछा नहीं वर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, अभी तक जवाब नहीं आया सही, लोग यहाँ पर थोड़ा सा सोच रहे हैं, सोच में डूबे हुए हैं। जनता बोले कि सर सनलाइट नहीं होना चाहिए, सनलाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सनलाइट है उसमें हमारा विटामिन डी होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो सही जवाब है, क्योंकि सनलाइट से जो हमारे स्किन में विटामिन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन डी बोलते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने लोग 2 नंबर बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि ये जो है वो हमारे बॉडी में क्या बनाता है, ये हमारे बॉडी में बनाता है विटामिन डी, दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पे सही जवाब है आपका सनलाइट या धूप, बाकी सब में पाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको बताना है पल्सेस आर गुड सोर्सेज ऑफ विच। अगर हम लोग पल्सेस खाते हैं तो हमारे बॉडी में कौन से सब्सटेंस बढ़ते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्ब्स या आपके फैट्स, जल्दी से जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। हाँ, विटामिन 12 में कोबाल्ट होता है इसलिए इसको साइनोकोबालामीन भी बोलते हैं। चलिए पल्सेस में क्या होता है, दालें जब हम लोग खाते हैं तो क्या बोलते हैं भैया, हमारे बॉडी में क्या चीज जा रही है, तो यहां पर जनता बोल रही है कि सर होना चाहिए ए ए ए, मतलब हमारा जो प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी दालों में पाया जाता है और ये हमारे बॉडी में बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस की तरह काम करता है। बॉडी का मतलब जो हमारी मसल्स होती हैं उनको बनाता है प्रोटीन, इसलिए जो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है वो है प्रोटीन और वो दालों में होता है, ठीक है, इसीलिए दालें खानी चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनको जब छोटे होते हैं तो उनकी मसल्स को ग्रो करने के लिए उनको दालें खिलाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको बताना है द मेन प्रोटीन फाउंड इन मिल्क। मिल्क में भी जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, एक इजी सा क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा क्वेश्चन जरूर बोल सकते हैं। दैट इज एल्बुमिन, ग्लोबिन, दैट इज ग्लोमिन या कैसीन बोलते हैं, जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, मिल्क प्रोटीन को क्या बोलेंगे।
जिसका डाइजेशन हमारे स्टमक में स्टार्ट होता है, रेनिन नाम का एंजाइम जो है इसको हमारा क्या करेगा, बनाने में मदद करता है रेनिन नाम का एंजाइम। तो जनता का मानना है कि सर 4 नंबर होना चाहिए, कैसीन की तरफ जनता जा रही है। ठीक है, कैसीन को हम लोग रेनिन की प्रेजेंस में, ये हमारे स्टमक में इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, किसमें बदल देते हैं, कैसीन को रेनिन की मदद से हम लोग बदल देते हैं कैसोजेन में। तो भाई ये सारी चीजें भी पता होना चाहिए। ये हमारे मिल्क में पाया जाने वाला प्रोटीन है, खास तौर पे ये काउ मिल्क में ज्यादा होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज द सैचुरेटेड फैट, इनमें से कौन सा संतृप्त वसा होता है, दैट इज एनिमल, प्रोसेस्ड फूड, प्लांट या नन ऑफ दीज। क्या लग रहा है आपको? चलिए, तो यहां पर अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, तो याद रखिएगा जब भी हमारा एनिमल से रिलेटेड कोई भी आपका फूड आएगा, एनिमल रिलेटेड फूड आएगा, चाहे वो मीट हो या एनिमल से निकलने वाला कोई भी आपका फूड आएगा या फैट आएगा, वो हमेशा सैचुरेटेड फैट्स में आएगा। किस में आएगा? सैचुरेटेड फैट्स में। ठीक है, अब आपको ये चीज़ याद रखना है। अब वो फूड हो या डेयरी प्रोडक्ट हो या एग्स हो, जो भी आप यहाँ पर बोल सकते हो, वो सारे के सारे सैचुरेटेड में आएंगे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। और प्लांट से रिलेटेड जितने भी आएंगे वो अनसैचुरेटेड होंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, दैट इज थायमीन, राइबोफेलविन, रेटिनॉल या कैल्सिफेरॉल। क्या होना चाहिए? तो यहां पर रामू जो है वो कंटिन्यूअसली क्लासेस करता है, जगन कंटिन्यूअसली जाता है, ठीक है, चॉकलेट बॉय आता है, इसीता रेगुलर आती है, मिथिलेश रेगुलर आ रहा है, गुंजन रेगुलर आती है। तो भाई आप अगर रेगुलर नहीं आ रहे हो और आप पूरी क्लासेस नहीं देख रहे हो, तो यकीन मानिए जो आप जीए में सोच रहे हो कि अच्छा स्कोर हो जाए, हमारा वीकेस्ट पॉइंट है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ ये टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। आप अभी पहले हमने आपको पूरी फिजिक्स पढ़ाई, फिर हम लोग धीरे धीरे करके बायोलॉजी के एक एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं देर ना हो जाए इसलिए आप भैया रेगुलर आइए, पूरी क्लासेस को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर सही जवाब क्या है, तो दैट इज रेटिनॉल इज द राइट आंसर। थायमीन हम लोग किसको बोलते हैं, तो B1 को बोलते हैं, राइबोफेलविन बोले तो विटामिन B2 को बोलते हैं, अगर हम लोग कैल्सिफेरॉल बोले तो विटामिन डी को बोलते हैं। तो भाई ये आपको बिल्कुल एकदम पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, तो ही आपका जो है एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें दो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के नहीं बना है, दैट इज सुक्रोज, फ्रेक्टोज, लैक्टोज या माल्टोज। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे निशी बोल रही कि वो आती हैं, ठीक है, राजेश जहांगीर जो है वो भी रेगुलर आता है और अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ता है, ठीक है, राजेश से जो है मुझे बात भी करनी है, लेकिन अभी थोड़ा फ्री नहीं हो पाता इसलिए बात नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो रेगुलर आते हैं, जो लोग नहीं आते उनके लिए बात कर रहे हैं। तो अंशिका बोले सर होना चाहिए सुक्रोज, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जगन को लग रहा है कि सर फ्रेक्टोज होना चाहिए, बाकी सब 2 नंबर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि रश्मि को भी लग रहा है, संगीता को भी लग रहा है, ठीक है, रामू को भी लग रहा है कि सर फ्रेक्टोज होना चाहिए, C6H12 एंड O6, दैट इज फ्रेक्टोज, या इसी को कुछ लोग ग्लूकोज भी बोलते हैं। और मुझे याद है FCI के एग्जाम में जब इंटरव्यू में से क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोज, तो मैं उस समय निरुत्तर हो गया था, क्योंकि इसका जो सही जवाब है वो है ये आपका कीटोन ग्रुप को अपने साथ कंटेन करता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, और ग्लूकोज जो है अपने साथ एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है। मैंने कई बारी क्लासेस में ये बताया हुआ है, फॉर्मूला सेम है बट ग्रुप अलग अलग है। अब ये दो सारे के सारे हैं, ये डाइसैक्राइड है, डाइसैक्राइड का मतलब यहाँ पर दो से ज़्यादा हमारे कार्ब्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सुक्रोज को देखें तो फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज इज नोन एज सुक्रोज, जिसको हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबल शुगर, ठीक है, टेबल शुगर बोलते हैं। उसके बाद से लैक्टोज की बात करें तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज होता है और उसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? ग्लैक्टोज पाया जाता है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इज नोन एज लैक्टोज,
माल्टोज की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अगर आपने ग्लूकोज को दो बार कर दिया तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज नोन एज माल्टोज। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रोहित, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है विटामिन सी, जो कि आजकल बड़ा सुनने में आता है कि भैया अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है तो रखाओ विटामिन सी, क्या होता है इसकी कमी से, बेसिकली कौन सा रोग होता है, दैट इज बेरीबेरी, ग्वेटर, रिकेट्स या स्कर्वी, क्या होना चाहिए इसका सही उत्तर। हाँ बिल्कुल सही है निशी, निशी का कल बर्थडे था, मैंने कल देखा था सुना था निशी ने लास्ट में जाता सर मेरा बर्थडे है, तो भैया हम उस समय तो ऑफलाइन हो गए थे, तो भैया आप लोग भैया निशी को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल दो। हाँ मिथिलेश टेलीग्राम पर जो है आप मुझे मैसेज कर दो, आपके मैसेज को जब हम देखेंगे तो जरूर रिप्लाई कर देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा बिजी रहता हूँ तो अगर रिप्लाई देर से आए तो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जनता बोल रही सर स्कर्वी होना चाहिए विटामिन सी की कमी से, जो हमारा रोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग स्कर्वी बोलते हैं, गम्स में स्वेलिंग आ जाती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, आपके माइंड को भी शार्प करता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, बिना विटामिन सी के आयरन का जो डाइजेशन है, मतलब जो आयरन का सिंथेसिस है वो नहीं होगा, तो विटामिन सी जो है वो आयरन को भी डाइजेस्ट करता है या आयरन का भी सिंथेसिस करता है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, विटामिन डी का जो फूड का सोर्स है वो क्या होता है, फूड से कहाँ से मिलता है, कॉटन सीड्स, ऑलिव ऑयल, कॉर्ड लेवर ऑयल या सनफ्लावर। अब कई लोगों ने पूछा सर पीडीएफ कहाँ पर मिलती है, भाई जो ये एमसीक्यूज वाली क्लासेस होती हैं हमारी उसकी पीडीएफ आपको सबसे पहले ऑफलाइन कमेंट जो होते हैं, ऑफलाइन वाले कमेंट, ये चैट वाले नहीं, उसमें सबसे पहला कमेंट आपको मिल जाएगा 2-3 घंटे में आप जब वापस आओगे तो वहाँ से डाउनलोड करना। इस क्लास की सबसे खास बात इसके पीडीएफ होते हैं जिसमें सारी चीजों को एक्सप्लेन करके हम यहां पर देते हैं। तो जनता बता रही है कि सर 4 नंबर होना चाहिए, 4 नंबर यहां पर जनता उसकी तरफ जाना चाहती है। यहां पर अगर हम लोग देखें विटामिन डी का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो हमारे सनफ्लावर्स जो होते हैं उसके सीड से बना हुआ जो तेल होता है वो सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे रिचेस्ट की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि सनफ्लावर तो होता है लेकिन वर्ड यहाँ पर रिचेस्ट है, और जब मैंने सारे ऑप्शन देखे तो यहाँ पर मुझे कॉड लीवर ऑयल भी दिखाई दिया। कॉड लीवर ऑयल जो है सनफ्लावर में भी होता है, नो डाउट उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर रिचेस्ट सोर्स दिया सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। वैसे तो सब ज़्यादा इसमें सनलाइट में ही पाया जाता है हमारा कैल्सिफेरॉल, लगभग 70-80% तक सनलाइट में ही हमारे बॉडी बन जाता है, लेकिन जो सबसे रिचेस्ट है वो है ऑप्शन नंबर 3 कॉड लीवर ऑयल, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या पूछने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब था। अभी आपको बताना है कि कौन से विटामिन की कमी से स्कर्वी हो जाता है, मुझे लगता है कि फिर से एक ईजी सा क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें विटामिन बी है, सी है, डी है या के है, किसकी डिफिशियंसी से या किसकी कमी से हमें जो है वो स्कर्वी होता है। तो यहाँ पर बी के बहुत सारे हमारे विटामिन होते हैं जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, विटामिन B1 से लेकर के B12 तक हमारे विटामिन होते हैं। अलग अलग बीमारियाँ होती है जैसे कि बेरीबेरी हो गया, और आप उसके बाद से अगर आप देखेंगे पेलेग्रा हो गया, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो हमारे जो मेच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, बालों का जो है कलर वाइट हो जाता है, इसके अलावा एनीमिया होती है, पेनिसिलस एनीमिया होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन स्कर्वी जो है वो हमारा विटामिन सी की कमी से होती है जैसा कि यहाँ पर जनता बता रही है। चलिए अब उसके बाद से यहाँ पर वापस से क्वेश्चन पूछा गया है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए का सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत कौन सा है, दैट इज कैबेज, कैरेट, रेगुलर पोटैटो या स्ट्रॉबेरी, क्या होना चाहिए यहाँ पर सही जवाब, सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा। तो मैंने क्या पूछा कि सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है, तो रजनीश कुमार यहाँ पर बोल रहे हैं सर होना चाहिए 2, रजनीश लेट आ रहा है, किरण बोल रहे हैं सर होना चाहिए नंबर 2 कैरेट होना चाहिए, तो यहाँ पर कैरेट इज द राइट आंसर। कैरेट हमारे विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है, जो कि हमारे जो है बॉडी में आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस
आपके विटामिन ए की कमी से होती है, तो यहाँ पर 2 नंबर इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है द एनर्जी प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इज, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में जो एनर्जी आपको मिलती है वो कितनी है। काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। 4.8, 4.2 किलो कैलोरी, 27 जूल्स या 18 किलो कैलोरी, क्या होना चाहिए सही जवाब। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मैंने लिया है तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो जनता सही जवाब क्या होना चाहिए, तो यहां पर जैसे जनता जवाब दे रही है कि सर होना चाहिए 4.2 किलो कैलोरी, ठीक है। तो 4.2 किलो कैलोरी जो है वो हमारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है, मिलती है, ठीक है। जबकि हमारी प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देती है, मतलब ये भी 4 और प्रोटीन भी, जबकि जो फैट है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि फैट होगा वो सबसे ज़्यादा, लेकिन ये तुरंत एनर्जी नहीं देता है। फैट जो है वो आपको तुरंत एनर्जी नहीं देगा। फैट आपको एनर्जी कब देगा, कुछ समय के बाद स्टोर्ड होती है, लेकिन ये 9 किलो कैलोरी होती है जो कि सबसे ज़्यादा होती है। जबकि प्रोटीन और हमारा बोल सकते हैं कैप्स, ये 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि विटामिन बी की कमी से, और इसने यहाँ पर हमारा क्या किया, यहाँ पर उसने क्या किया है कि इसने क्लासिफाई नहीं किया कि कौन सा है, लेकिन उसने ऑप्शन दे दिए। अब यहाँ से हमको पिक करना है, बेरी बेरी है, रिकेट्स है, कोसुआकार है, या आपका स्कर्वी है। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। यहाँ पर आरजे जो है वो एक बहुत अच्छी बात बोले कि फिर से सब लोग क्लास को लाइक करना भूल गए, तो एक बार जल्दी से वापस जाइए और वीडियो को, जिनको इस क्वेश्चन का जवाब आता है वो जाए और वीडियो को लाइक करके फटाक से वापस आ जाए, क्योंकि यहाँ पर सही जवाब अगर आप लोग देखेंगे तो रिकेट जो है ये हमारा विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि हमारा सनलाइट से मिलता है। कासवाकोर जो है वो प्रोटीन आप लोग जानते होंगे हमारे बॉडी में जो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता है, तो ये सूखा रोग बोला जाता है। प्रोटीन की खोज बर्जीलियस ने की थी, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। जबकि स्कर्वी अभी हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं कि विटामिन सी की कमी से होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए, यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए बेरी बेरी। तो जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था वो जल्दी से वीडियो को लाइक मार के आएंगे, और इसका जो कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो B1 है थायमीन, इसके बोल सकते हैं केमिकल नेम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको देना बताना है कि कोई नहीं ऐसा जो आपको तुरंत एनर्जी देता है, दैट इज प्रोटीन, कार्ब्स, फैट या विटामिन्स, कौन तुरंत एनर्जी देता है। गए और आपको एनर्जी मिल गया। तो आपको मैंने जो ये डायलॉग बोला शायद आपने सुना भी होगा, और वो सही जवाब क्या होना चाहिए, तो प्रोटीन आपके बॉडी को बिल्ड करने में मदद करता है, मतलब बॉडी आपकी जो है वो रिपेयर होती है। कई लोग जो सुबह सुबह से वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, वो आप बोल सकते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन पाउडर डाल करके पीते हैं। फैट जो है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहता है, ये एनर्जी को स्टोर रहता है, ठीक है। और उसके बाद से अगर हम लोग बात करें विटामिन्स, जो हमारे रेगुलेशंस करता है, हमारी आंखों को चलाता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को चलाता है, तो ये विटामिन्स है। लेकिन अगर मुझे तुरंत एनर्जी चाहिए तो मेरे पास होना चाहिए कोई नहीं ऐसा कार्बोहाइड्रेट जैसा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लैट ग्लोबल्स इंटू स्मॉल ग्लोबल्स, मतलब हमारे जो फैट होते हैं उसको कौन डाइजेस्ट करता है। सिंपल सा आपको ये बताना है कि फैट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज बाइल सॉल्ट, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या एमाइलेज। भैया देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपको याद रखना है कि कहाँ पर क्या डाइजेस्ट होता हमको बताया गया था। हाँ रोहित ने बिल्कुल सही बताया कि कार्ब्स और हमारे जो फैट होते हैं वो एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, लेकिन एक तुरंत देता है और एक स्टोरेज के फॉर्म में देता है। तो यहाँ पर जनता बता रही है कि सर सबसे पहले जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर लोग बोले हैं सर 2 नंबर होना चाहिए, 1 नंबर होना चाहिए। भैया देखिए मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बताया है तो मैंने आपको सिंपल सा एक बात बताई है कि जिसके पीछे सिन लगा हुआ है, सिन वो प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, सिन तो ये सब प्रोटीन का करेंगे, तो ये दोनों तो हम हटा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से एमाइलेज आता है, तो एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। अब उसके बाद से जो हमारा पहला नंबर वाला ऑप्शन है,
जिसको हम लोग बाइल सॉल्ट बोलते हैं, जो कि हमारे लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है, यहाँ पर सबसे पहली बार हमारे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। हमारे फैट का सबसे पहली बार डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है? हमारे इस गॉल ब्लैडर से आने वाला जो बाइल जूस होता है उसके द्वारा, और ये ग्लूबल्स में बदल जाता है। तो हमने ये कई बार बताया हुआ है। यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कई लोग बोले सर एमाइलेज जो है वो माउथ से निकलता है। माउथ से भी निकलता है, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा जो जहाँ से निकलता है, जो सबसे बड़ा सोर्स है, वो पैंक्रियाज है। ठीक है, तो एक बार हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाली क्लास है उसको देखिएगा, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं और ये गलतियाँ छोटी छोटी ना हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है विटामिन ई का सबसे रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, जिसको हम लोग ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और ब्यूटी विटामिन के नाम से अगर आप इसको जानते हो तो ये कहां पर इसका रिचेस्ट सोर्स होगा? यहां पर पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, वीट स्प्राउट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल, राई का तेल होगा। क्या होना चाहिए यहां पे सही जवाब? जनता बोले सर तीन नंबर की तरफ जाना चाहेंगे। तो ये देखिए अलग सा लग रहा है ना, तो ब्यूटी विटामिन है सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। तो ये आपके ज़्यादातर जो द्विबीज पत्री होते हैं, जिसको आप लोग डाइकॉट बोलते हो, उसमें आपका ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो आपको होना चाहिए क्या, तो वीट एंड स्प्राउट ऑयल्स। स्प्राउट जो आपके बादाम हो गया, मेवे हो गए, ठीक है, इनके जो तेल होते हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब इसको खाना है, लगाना नहीं है। कुछ लोग होते हैं स्किन पे लगा लेते हैं, सोचते हैं कि हमारा विटामिन ए आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे विटामिन ए की कमी से जो बीमारियां होती हैं, तो वो सबसे पहला इनफर्टिलिटी, जिसको बाजपन बोलते हैं, बच्चा का जो कंसीव नहीं हो पाता है, मतलब ये बीमारी होती है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करेंगे तो चेहरे से रिलेटेड बीमारियां दिखाई देंगी, झाइयां हो जाती हैं, जो हेयर लॉस होने लगेंगे, तो ये सारे के सारे होते हैं विटामिन ई की कमी से। इसका जो केमिकल नेम है वो टैकोफेरॉल होता है। क्या होता है? टैकोफेरॉल। तो ये भी आपको याद रखना है। तो आई थिंक ये सबको याद भी होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। विटामिन सी का हमारा केमिकल नेम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सिफेरॉल है, फॉलिक एसिड है, रेटिनॉल है। तो भैया देखिए केमिकल नेम और उससे होने वाली बीमारियां विटामिन में, आपको ये क्या होनी चाहिए, अच्छे से लर्न होनी चाहिए। मतलब आपको कोई नींद में भी जगाए और आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपको वो पता होना चाहिए। त्रिपाठी जी बताओ जल्दी से। यहां पर जनता बोले सर ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाएंगे, स्कॉर्बिक एसिड सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। अभी किसी ने बोला था कि भाई सुबह सुबह से आंवला खाओ, आजकल सीजन आ चुका है और इम्यून पावर को बढ़ाना है तो आंवला खाओ। और हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में आंवला बहुत होता है, और हमारा एक यूपी का शहर है राजा भैया का, जिसका नाम है प्रतापगढ़ इज द सिटी ऑफ आंवला, वहां पे बहुत आंवला होता है। तो भैया स्कॉर्बिक एसिड इज द राइट। कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का नाम है, विटामिन बी का नाम है, फॉलिक एसिड और रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। आई थिंक सभी को ये पता चल गया होगा अभी तक। अब हम लोग चलते हैं विटामिन के की तरफ। विटामिन के विटामिन डी के बाद एक ऐसा विटामिन है जो अपने आप हमारी बॉडी में बनता है। ठीक है, हमारे बॉडी में अपने आप बनता है, इंटेस्टाइन में हमारे बैक्टीरियाज की वजह से बनता है, लेकिन अगर ये कम हो जाएगा तो कौन सी बीमारी होगी? दैट इज फर्टिलिटी हो जाएगी, आपका ब्लड सिंथेसिस हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, या स्किन इंटीग्रिटी हो जाएगी। तो अगर हमने आपको ब्लड में जब पढ़ाया था तो आपको विटामिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताई थी। क्या होनी चाहिए? अंशिका पाल, प्रियंका बोले हैं सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की तरफ जा रहे हैं, यहां पर सही जवाब क्या है? तो दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे बॉडी में विटामिन के, ठीक है, कैल्शियम आयन, कैल्शियम भी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे प्लेटलेट्स, तो ये हमारे कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जाते हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जितने लोगों ने 3 नंबर बताया वो सही जवाब है। अभी आपको बताना है हेक्सोपैथेल्मिकाइज, शुरू से जो वीडियो देख रहे होंगे
वो इसको आसानी से कर सकते हैं। हेक्सोपैथेल्मिक आइज जो है वो आपके कौन से विटामिन की कमी से होती है, डी ए के या सी? हाँ, डिफिशियंसी हो जाती रोहित तो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी और ब्लीडिंग होगी, इसलिए वहां पे ब्लड क्लॉटिंग जो है वो उससे संबंधित है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, जैसे रोहित ने बताया कि सर विटामिन ए होना चाहिए, विटामिन ए की तरफ जा रही है जनता, तो विटामिन ए इज राइट आंसर, तो विटामिन ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अभी आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट नेवर फॉलो द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि CnH2nOn होता है, लेकिन एक ऐसा होता है जो कि इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, वो कौन सा है? तो जल्दी से जरा बताइए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो जनरल फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा इसको फॉलो नहीं करता है? तो यहां पर हमारे ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इसका फॉलो जो नहीं करता है, जनता बोले सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, सभी के सभी ऑल देख लिया तो उसी के ऊपर हम लोग टिक कर देंगे। गलत है आपका, राइबोस शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो तो पेंटोस शुगर होती है, सिंपल उसी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो रेमनोज शुगर है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12 and O5, ये आपका रेमनोज है, ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये रेमनोज, तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है लेकिन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी के सभी जो है वो इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, आपको बताना है इन विच सीजन डू वी नीड मोर फैट, किस सीजन में हमें ज़्यादा फैट की ज़रूरत होती है? जरा जल्दी से बताओ, तुम लोगों को भी पता होगा, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, इसीलिए जो है वो लोग हम लोग अपने जो घर पे जो हमारे मॉम होंगी या आपके घर में जो भी खाना बनाते होंगे उनको हम लोग बोलते हैं कि भाई आलू के पराठे जो है बढ़िया घी में बनाओ और उसके बाद से जो उसको खाने में मज़ा आता है सीज़न में, मतलब अलग ही मज़ा आता है ना? तो जनता का जवाब आ गया कि सर आने वाला है सीजन और फिर उसके बाद से घी डाल करके, बटर डाल करके, ठीक है, जो फिर चटकाए जाते हैं आलू के पराठे, क्यों? क्योंकि हमें उस समय ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे बॉडी में आप बोल सकते हैं कि एक लेयर चाहिए होती है फैट की जो कि हमारे हड्डियों को कीर्तन करने से बचाती है, नहीं तो ठंडियाँ इतनी पड़ती हैं नॉर्थ इंडिया में कि हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3, विंटर सीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन द सल्फर सब्सटेंस एंड ऑल्सो कॉल्ड विटामिन एच, इनमें सल्फर कंटेंट पाया जाएगा और इसको हम लोग विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जल्दी से बताइए, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। यहाँ पर शुभम बोल रहे हैं कि सर ठंडी में, कुछ लोग जो होते हैं वो बटर डाल के खाते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं वो उसमें नॉर्मल घी डाल करके खाते हैं, है ना, कीर्तन करने लगती हैं अगर आपके जो, इसीलिए जो बेचारे हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं वो बेचारे बड़े ठंडियों में बड़े परेशान हो जाते हैं, खासतौर पर जो नॉर्थ इंडिया की ठंडी होती है। देखो गाजर का हलवा, वाह गाजर का हलवा बहुत बढ़िया। यहाँ पर जनता बोले सर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, विटामिन B7 की तरफ जनता जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो 2 नंबर ही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है हमारे जो सल्फर कंटेन जिसमें होता है, सल्फर जिसमें पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिन विटामिन, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विटामिन B7, मतलब 2 नंबर याद रख लेना, विटामिन एच बोलते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है।
पैराडॉक्सिन विटामिन B6 होता है, फॉलिक एसिड हमने आपको बताया था विटामिन B9 होता है, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपके सामने देखिए आ भी गया, कोबालामिन इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन, जो कोबालामिन होता है वो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। और सभी लोग ऑप्शन नहीं करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर सभी लोग उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग नए हैं और हमारा पास उनके लिए कुछ है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो एंड ऑफ मंथ सेल है उसमें टेस्ट बुक पास, जिसमें आप लोगों को 6,500 से ज़्यादा टेस्ट मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम तैयारी करने के लिए जाते हैं। टेस्ट, मॉक टेस्ट अगर आप लोग नहीं दे रहे हो तो शायद सिलेक्शन के लिए आप उतने प्रिपेयर होकर के नहीं जा सकते हो। और यहाँ पर आपको शायद अमेजन पे से अगर आप पे करते हो तो ये कैशबैक मिलने वाला है, बाकी की आपकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, 10% का कैशबैक है। अभी अगर आप देखोगे ग्रुप डी की, अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ ग्रुप डी को फोकस्ड करके हो, तो यहाँ पर आपको 170 से ज़्यादा लाइव क्लासेस और 70 टेस्ट, यहाँ पर देखिएगा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर डिस्क्रिप्शन 70 टेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और कीमत आप देख सकते हो बहुत ही लाजमी सी है, ठीक है। और उसके बाद से NTPC लाइव कोचिंग, जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी सब्जेक्ट में तो इनरोल कर सकते हैं तैयारी पर्पज से, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिहार SI, तो बहुत सारे लोगों ने इनरोल कर लिया है, और जिनका बचा है और बिहार में कि वो तैयारी करना चाहते हैं, दरोगा बाबू बनना चाहते हैं, तो वो ये बैच में जुड़िए सकते हैं। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, यहाँ पर जनता ने बताया कि सर B12 इज द राइट आंसर, विटामिन B12 जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है ओमेगा 3 फैटी एसिड आर प्रेजेंट इन, ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होते हैं वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। That in fish, frog, rice या wheat, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। यहां पर शायद सभी को पता होगा, वासुदेव ने बताया कि सर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, जो हमारी मछलियां होती हैं जिसको हम लोग फिशेज बोलते हैं, उसमें हमारे ओमेगा 3 एसिड पाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो ओमेगा 3 एसिड जो है वो मछलियों में पाया जाता है, तो भैया जो बंगाली बाबू लोगों के उनके पे जो मछली जो है उनका फेवरेट होता है, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्यों जगन सही बोले ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाति क्या पूछने वाला है आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो फैट में जाकर के घुल जाता है, दैट इज विटामिन A, B, C या विटामिन B3, सही जवाब क्या होना चाहिए। तो देखिए हमारे दो तरीके के विटामिन होते हैं, याद रखिएगा, एक होता है फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। अब ये जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये हमारे जाकर के कहां पर जुड़ते हैं, तो ये हमारे लीवर में जाकर के सिंथेसिस होते हैं, लीवर में जाकर के मिलते हैं, ठीक है। अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारे होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब जितने भी हमारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होंगे, और सी, ये सभी के सभी वाटर सॉल्युबल होते हैं। और हमारे जो फैट सॉल्युबल होंगे वो होता है कौन सा, मैं आपको यहां पर बताता हूं, कीड़ा। कीड़ा का मतलब होता है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, दैट इज द राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही जवाब है। अभी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो आपके ब्लड क्लॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेटिनॉल, थायमिन, टेकोफेरॉल या फॉलिक्विनेमिन। यहाँ पर सिंपल सा हमने आपसे विटामिन के का साइंटिफिक नेम पूछ लिया है। जो लोग शुरू से क्लासेस कर रहे होंगे अभी उनको पता होगा कि सर ने क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन बताया हुआ है। बिल्कुल सही रोहित ने यहाँ पर बताया है कि BC स्टोर नहीं होता है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए ये बॉडी में जाकर के डायरेक्ट उस ऑर्गन पे जाकर रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर फॉलो क्विनिन होना चाहिए क्योंकि रेटिनॉल जो है वो आपका कैसा होता है, तो रेटिनॉल को हम लोग ए बोलते हैं, थायमिन जो है वो हमारा विटामिन B1 होता है, टेकोफेरॉल अभी आपने देखा था ब्यूटी विटामिन होता है, और फॉलो क्विनिन जो है विटामिन के होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जैसा कि जनता बता रही है कि सर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपसे क्या पूछने वाला है, अभी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट
इनमें से कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है? आलू होता है, टोमेटो होता है, फिश होता है या पीनट्स होता है? क्या होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब? सुशांता रॉय बोल रही हैं कि सर फॉलो क्यूनिन होना चाहिए। सुशांता के नाम में आज भी मुझको कंफ्यूजन है ना सुशांता। निस्सी कुमारी बिल्कुल बफरिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे, जियो फाइबर का जो है 100 Mbps से ज्यादा की स्पीड आ रही है। मृत्युंजय, हमने आपसे बोला था शुरू में ही कि शाम वाली क्लास में जो पढ़ाएंगे संडे को उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम हो स्टूडेंट और अपने हाथ से नोट करो। पीडीएफ मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन का, जो तुमको आज की क्लास का मिलेगा। यहाँ पर जनता बोली है सर पोटैटो होना चाहिए, आलू 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 इज द राइट आंसर। ठीक है, इंजमामुल हक जो था उसको कई बार हमारे जो भारतीय खिलाड़ी लोग होते थे उसको ट्रोल करते थे आलू बोल करके, दैट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच इन ऑल थ्री फूड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फाइबर्स। तो यहाँ पर देखिए कल बहुत सारे लोगों ने क्लास को अटेंड किया था, लेकिन इस पे पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ एक बार जिससे कि आप लोग इसका जवाब दोगे। इनमें से कौन सा ऐसा फूड होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फाइबर तीनों चीजें होती हैं? दैट इज कैबेज सोयाबीन रिच ग्रेन्स चावल के सॉरी राइस ग्रेन्स या मैंगो फ्रूट। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, तीनों चीजें होंगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं अपनी जो बात है उसको कंप्लीट करूंगा जो मैं यहां पर कर रहा था। तो यहां पर जो सही जवाब है जिसमें प्रोटीन भी होता है, प्रोटीन सोयाबीन में होता है, कार्बोहाइड्रेट सोयाबीन में होता है और फाइबर इतना होता है कि आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिक का जो प्रोसेस है उसको ये मेंटेन रखता है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, सोयाबीन के बीज। तो ऑप्शन नंबर टू यहां पर सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने जिक्र भी किया था। तो कैसिकोर होता है, सिरोसिस होता है, एक्जाइमा होता है या ग्लाइकोसिस होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो मैं बोल रहा था कल जितने लोगों ने यहां पर हमारी कल क्लासेस की, अगर उनको शाम वाली क्लासेस में जो साउथ इंडिया के बारे में हमने आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें बताई थी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो में जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जाकर के मुझे बताइएगा कि सर क्लास में मज़ा आया। तो भाई कमेंट का आपका इंतजार कर रहा हूँ, जितने लोगों ने भी किया हुआ है प्लीज़ वहाँ पर जाकर के कमेंट करिएगा और मुझे बताइए कि उस क्लास में मज़ा आया कि नहीं आया, ताकि हम फ्यूचर में और भी ऐसी क्लासेस लेकर के आएँ जो लीग से थोड़ी हट करके हों और आपके रैंक को बिल्डअप करें, जिससे आपका रैंक बने। तो वो ऐसी क्लासेस मैं संडे को लेकर के आऊँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको हमको भी मोटिवेट करना पड़ेगा। वहाँ पर जाइए और कमेंट करके बताइए कि क्लासेस में आपने नोट्स बनाए, क्लासेस में कैसा लगा, अपना फीडबैक वहाँ पर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब है जनता बता रही है कि सर सूखा रोग होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं क्वासियोकोर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग, रोहित प्लीज वहां पर ऑफलाइन कमेंट है वहां पर जाकर के कर दोगे तो मुझे वो कई बार पढ़ने को मिलेगा तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, तो प्लीज आप लोगों से ये करना पड़ेगा। चलिए अभी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटीन, प्रोटीन के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा सही है। प्रोटीन प्लेज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन बॉडी, एक्सेस प्रोटीन डैमेज द लीवर एंड हेंस द इंजीरियस फॉर हेल्थ। मतलब एक्सेस प्रोटीन हमारे लीवर को डैमेज कर देता है, जो लोग यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग करते हैं सुन लीजिए। अब उसके बाद से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो देयर इज नो प्रोटीन स्टोरेज प्रोविजन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में प्रोटीन स्टोर नहीं होता है। प्रोटीन इज एन इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रियंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो न्यूट्रियंट है। क्या होना चाहिए यहाँ पर सही जवाब, यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है आपको? जनता को यहाँ पर काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि सर एक दो में हम काफी कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ लोग चार में भी कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोलाइट की भूमिका नहीं निभाता है। अगर ये हमारे बॉडी में ज्यादा हो गया तो ये लीवर को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। भैया ज्यादा प्रोटीन हमारे बॉडी में ज्यादा मसल्स को ग्रो करेगा तो ये दो तो नहीं होंगे। उसके अलावा हमारे बॉडी में प्रोटीन को स्टोर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है, मतलब ये लीवर में जाके स्टोर हो जाए या कहीं स्टोर हो ऐसा नहीं है। ये प्रोटीन हमारे मसल्स पे जाकर के हमारी जो सेल्स होती हैं
उन पे जाकर रिएक्ट करता है और सेल जो है वो ग्रो करती है, कोशिकाएं का विकास करता है। तो स्टोर होने का प्रावधान नहीं है, ये यहां पर सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। तो 3 नंबर वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है, जो कि सर्वथा करेक्ट जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि विच इज नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है। दैट इज सोयाबीन, वीट, मछली या ग्राम चना। बहुत सोच करके और अच्छा जवाब आपको देना है, कौन सा रिच सोर्स नहीं है प्रोटीन का। अब प्रोटीन जो है वो ज्यादातर आपके डाइकॉट्स में पाया जाएगा, जिसको आप छील करके खाते हो या आपके जो फिशेज होती हैं उनमें पाया जाता है। भैया फिशेज में प्रोटीन नहीं होता है, कौन तुमको बता दिया। फिशेज में प्रोटीन होता है ये तुमको कौन बता दिया। भैया फिशेज इज द फुल ऑफ प्रोटीन्स, मतलब अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रोटीन में अगर आप देखोगे तो सोयाबीन, फिशेस, चने यही सब आते हैं, लेकिन जो नहीं आता है वो है गेहूं। गेहूं यहां पर नहीं होना चाहिए। तो फिशेस जो बोल रहे हैं भैया फिशेस में बहुत प्रोटीन होता है, यहां पर गेहूं सही जवाब है। ठीक है, गेहूं में नहीं होता, और जितने भी आपके द्विबीज पत्री होती है जिसको आप छील करके खाते हो वो प्रोटीन उसमें भरा होता है। बर्जीलियस ने इसकी खोज की थी प्रोटीन के बारे में, हमें बताया था, और ये बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होते हैं। अभी आपको बताना है ग्लाइकोजन इज एक एग्जांपल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड या दोनों तरीके के होते हैं। ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं हम। यहां पर अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन जो है वो हमारा एक तरीके का क्या है, तो ये पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड मतलब जब हमारे एक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि ये हमारा पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, जबकि हमारा ये कार्बोहाइड्रेट की संख्या 2 हो जाती है तो डाइसेक्राइड बोल देते हैं। उसके बाद से 2 से लेकर के 10 तक होती है तो उसको ऑलिगोसेक्राइड बोलते हैं, और जब ये 10 से ज्यादा हो जाती है, जब ये स्टोर हो जाते हैं कई बार, तो इस स्टोर्ड को हम लोग पॉलीसेक्राइड बोलते हैं। तो यहां पर जो सही जवाब है ग्लाइकोजन जो है वो आपका पॉलीसेक्राइड है। इसी तरीके से ग्लाइकोजन के साथ साथ स्टार्च, ये भी आपका एक तरीके का पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट और बात करेंगे। इनमें से कौन सा एक माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, मैक्रो मतलब एक बड़ा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, बोरॉन्स, फैट या प्रोटीन। मुझे लगता है कि अभी आप लोग जवाब दे दोगे। तो वहां पर आपको इस क्वेश्चन का जवाब वहां पर लिखा हुआ था, प्रोटीन एक माइक्रो सब्सटेंस है, माइक्रो MI, तो वो जवाब गलत क्यों था, क्योंकि प्रोटीन आपका कैसा है, मैक्रो है, बृहद है। और जो नहीं है यहां पर, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी के सभी मैक्रो होते हैं, जबकि आपका जो बोरान होता है वो आपका माइक्रो होता है। ठीक है, तो इसके पहले हमने जो प्रोटीन के बारे में गलत स्टेटमेंट पढ़े थे उसमें शायद अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये बोरान वैसे तो हमारा जो है वो एनिमल्स को जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये प्लांट्स में पाया जाता है और प्लांट्स के ये डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, तो हमारे शरीर के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है बोरान की। चलिए आगे चलते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन यहां पर सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो न्यूट्रिएंट इज प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर के लिए सबसे पसंदीदा स्रोत क्या है, जिसको शरीर सबसे जल्दी अडॉप्ट कर लेता है। दैट इज प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन्स या होना चाहिए फैट। क्या होना चाहिए यहाँ पर सही जवाब, तो जिसके अभी आप लोग बातें कर रहे थे, आलू के पराठे, आलू का पराठा जो है, ठीक है, और पराठे वो ज़्यादा होते हैं, पराठा उस पे जो बटर डाल के खाते हैं वो हमारे बॉडी को निपटते, तो जीभ को बहुत अच्छा लगता है, हमको खुद बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद से हमारे बॉडी को भी अच्छा लगता है। लेकिन याद रखना, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में, पता चला जो लोग पराठा खाते वो सही है, जो पराठे खाते वो गड़बड़ है, क्योंकि उनको फैट हो जाएगा, हाई BP हो जाएगा,
कार्डियक बोल सकते हैं कि डिजीजेज हो जाएंगी, डायबिटीज हो जाएगा। तो भैया ये भी बच्चों को आप लोग इससे, तो आलू के पराठे खाओ जो कि कार्बोहाइड्रेट देते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ये आलू में होता है, बनानाज में होता है, ऑरेंजेस में होता है, व्हीट में होता है, राइस में होता है, बीन्स में होता है। खाइए ये सारी चीज़ें लेकिन लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि अगर आपके बॉडी में ज़्यादा हो गया लैक्टिक एसिड बनाएगा जैसे कि किसी ने बनाया, और फिर वो आपके लिए सारी चीज़ें का गड़बड़ कर देंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, और ये क्वेश्चन हमने कई बार कराया हुआ है प्रशांत। कौन सा एंजाइम हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है, जरा सोच करके जरा जवाब दीजिएगा। एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीज या सुक्रेज? भैया बफर नहीं हो रहा है, एकदम बफरिंग नहीं हो रही, एकदम हम तो देख रहे हैं एकदम हमारे मोबाइल में भी। जनता ने जवाब दे दिया कि सर लाइपेज होना चाहिए, हमारे पैंक्रियाज से निकलता है और हमारे बॉडी में फैट का डाइजेशन कर देता है और हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी को स्टोर करता है। चलिए आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछने वाला है, हमारे विटामिन ए का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पर होता है? ब्लड में होता है, स्प्लीन में होता है, पैंक्रियाज में होता है या लीवर में होता है? जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए, विटामिन ए का सिंथेसिस कहाँ पर होता है? और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, आप कुछ देर के बाद आइएगा आराम से, अभी आप भी आलू के पराठे जा करके खाइए, इतनी बातें हो गई हैं, और उसके बाद से वापस से आइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए और फिर से एक बार रिवाइज करिए, जिससे आपकी ज़िंदगी में जो विटामिन्स और हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सभी के सभी हमारे क्लियर हो जाएं। पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा, और जिन लोगों ने भी कल की साउथ इंडिया की क्लास की हुई है जा करके ऑफलाइन चैट पर ज़रूर फीडबैक बताइएगा कि क्लास में आपने क्या क्या किया। तो यहाँ पर सही जवाब है, जितने भी हमारे फैट सॉल्वेंट विटामिन होते हैं जो कि हम लोग विटामिन कीड़ा के नाम से जिनको जानते हैं KEDA, ये सभी के सभी लीवर में जाके स्टोर होते हैं। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। मिलेंगे अपनी कल की क्लास में सुबह प्रातः 9 बजे। 9 बजे की क्लास होती है जिसमें हम लोग सभी की सभी चीज़ों को बारी बारी से सीख रहे हैं, और जो नहीं सीख रहे हैं तो भैया देर ना हो जाए कहीं, इसलिए 5:58 पर आ जाइए, अपने अलार्म क्लॉक को सेट करिए और मिलेंगे कल की क्लास में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए।